सब ठीक है। ये देख सकते हैं सुल्तान की ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। सुल्तान की ट्रेनिंग यार देख सकते हैं, हम ऊपर उछाल भी रहे, नहीं गिर रहा यार। उस दिन तो बार बार जैसे ही हाथ में ले रहे थे सुल्तान, हमारा नीचे जाके गिर जा रहा था यार, बहुत दिक्कत हमें फिर। तो गाइस हम आ चुके हैं छत पर और सारे कबूतर दिए हैं खोल और यहाँ पर रखी इनकी फीड। गाइस इनको फीड भी कराते हैं गाइस, और सुल्तान को भी छत पर ले आएँ। और गाइस एक कबूतर अभी उड़ता हुआ हमने पाया है, वो वहाँ पर उस वाली लॉक पर जाकर गाइस बैठा हुआ है, काफ़ी देर दूर गाइस वो लॉक है, वहाँ पर जाके कबूतर हैं सारे वहाँ पर बैठा हुआ है गाइस। और अभी उड़कर ही छत पर यहाँ से निकला था, बिल्कुल यहाँ से तुरंत गया हुआ है गाइस। तो हमने सोचा था कि सारे कबूतर खोल देते हैं गाइस, उस वाले कबूतर को देखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस। और वो थोड़ा सा जंगलाइटे में है और सिलेटा टाइप है, लेकिन काफ़ी मस्त कबूतर है गाइस, एकदम झक्कास कबूतर, एक नंबर का गाइस कबूतर। अगर वो आया तो हम गाइस पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने सारे कबूतर खोले भी हुए हैं। और इस वाले कबूतर लॉफ्ट के भी ये गेट खेल लेते हैं, खोल देते हैं गाइस, जिससे कि ये सारे कबूतर, ये वाले सारे कबूतर भी निकल आएँ। आ जा बाहर, आ जा बेटा बाहर, आ जाओ। ये भी सारे कबूतर बाहर निकल आएँ। और वो वाला कबूतर वो गाइस अभी वहीं पर है, इसलिए हमने अभी खोले हैं सारे कबूतर, जब जब आएगा तब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो कमाल भाई की लॉफ्ट पे बैठा हुआ है गाइस, वो अभी जाके तुरंत बैठा हुआ है, तुरंत उतरा है गाइस, वहाँ पे तुरंत उतरा है गाइस। तो शौक करिए गाइस, और हम एक चोज करने वाले हैं गाइस बहुत ही जल्द गाइस, हम लखे लाने वाले हैं, लखे फेंटल, इंडियन फेंटल पिजन। और यहाँ पर अपनी लॉफ्ट एक गाइस एक और बनाने वाले हैं फेंटल के लिए, केवल फेंटल के लिए गाइस वाली लॉफ्ट होगी। तो गाइस जैसे ही जितनी जल्दी फेंटल कबूतर गाइस आते हैं, हम लोग को अपडेट देंगे गाइस। सारे कबूतर चल रहे हैं गाइस, सारे कबूतर आराम से दाना खा रहे हैं, और सारे कबूतर भी अब एक एक करके अंडे रखने वाले भी हैं। मल्टीविटामिन हम दे ही रहे हैं आज फिर से गाइस, देख सकते हैं हमने मल्टीविटामिन पानी दिया हुआ गाइस। और गाइस सारे कबूतरों को अपनी हर बीमारी से बचाने के मल्टीविटामिन पानी ज़रूर दें, और कभी कभी विमरॉल भी डालें गाइस, और इससे ये होता है लीवर टॉनिक होती है गाइस, इनसे लीवर भी बढ़िया रहता है। और कभी कभी एल्बेंडाजोल टेबलेट भी दे गाइस, सारी टिप्स इसी चैनल पर मिल जाएंगी, हर चीज़ जानकारी मिल जाएगी आपको, ऑल पेट्स। और यहाँ पर हम गाइस पालने के सोच रहे हैं अपनी छत पर, हर तरीके का हर पेट्स यहाँ से लेकर चारों तरफ दिखाई देगा गाइस, आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है गाइस। सारे कबूतर काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं गाइस, बहुत जल्दी दाना देते थे गाइस, शौक कराते हैं आप लोगों को जल्दी, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। तो गाइस कर लीजिए शौक हमारे कबूतरों का, और ये सारे कबूतर रहे। तो गाइस ये वाला कबूतर किस मादिन के ऊपर इतना परेशान हो रहा था, ये वाला कबूतर यहाँ पर है, और अभी शायद इस मादिन ने अंडे दे दिए गाइस, वही तो हम सोच रहे हैं यार, ये मादिन नहीं दिख रही, देखते हैं अंडे दिए हैं कि नहीं दिए हैं अभी। ओ भाई अंडे नहीं दिए हैं यार अभी इसने, अंडे भाई देने के लिए बैठी हुई है यार मादिन, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और वहाँ पर शायद एक अंडा दिख सकता है, जरद ने अंडा दे दिया है गाइस, बहुत अच्छी खुशखबरी दी है भाई जरद हमारे जरद पेयर ने, और बहुत ही जल्द अंडे बच्चे कर रहे हैं भाई वाले पेयर हमारे, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रीडिंग करी है भाई इस वाले पेयर ने। ये वाला नर है गाइस, और इसकी मादिन तो पता नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं, ज़रूरत तो समझ नहीं आ रहा है। भाई ने बोला कि यार ज़रूरत की टुकड़ी तैयार करो यार, सपोर्ट हमारा रहेगा। हमने कहा ठीक है यार, करते हैं भाई कैसे भी करके। बाकी सुल्तान को भी यार निकाल लेते हैं बाहर, सुल्तान का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। आओ सुल्तान, आ जा बेटा, समझ गया कि यार हम ही इसको दाना पानी दे रहे हैं, और अब बिल्कुल आने लगा है सुल्तान हमारे पास। आप देख सकते हैं कैसे सुल्तान हमारे पास आ रहा है भाई, बिल्कुल एक हिसाब से 10-15% टेम हो चुका है गाइस, बिल्कुल एकदम झक्कास तरीके से टेम कर दिया गाइस, आप लोगों ने देख सकते हैं। ओ भाई ये क्या करने वाला है, ऐसा क्या कर रहा है। तो गाइस के पोर्ट में थोड़ा सा फीड ज़्यादा है, पानी कम है, तो मल्टीविटामिन का पानी भी दे देंगे गाइस, और अभी इसको देते हैं सुल्तान को अपने। तो गाइस आप लोग कमेंट करिएगा नाम कैसा है सुल्तान। बाकी सारे कबूतरों का फीड हो चुकी है ख़त्म, और फीड भी हम दे देंगे, और सुल्तान भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, काफ़ी बड़ा होने लगा। लेकिन एक चीज़ ये रही कि यार हम फीड करा रहे थे, बाकी पता नहीं कबूतर वाली फीड अलग होती है भाई, वो खुद अपने आप पोटिंग मतलब पोट भरवाते हैं, तो इसलिए उनका पेट वेट सही रहता है, पोटी वोटी सही रहती है। लेकिन पता नहीं क्या पोटी में थोड़ा सा अजब तरीके की हो रही थी यार, ऐसे जैसे कि ब्राउन टाइप की हो रही थी पोटी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने मिट्टी खिला दी है वाली अपने सुल्तान को, बाकी सुल्तान तो अब ठीक है। ये देख सकते हैं सुल्तान की ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है, सुल्तान की ट्रेनिंग देख सकते हैं, हम ऊपर उछाल भी रहे, नहीं गिर रहा यार। उस दिन तो बार बार जैसे ही हाथ में ले रहे थे सुल्तान, हमारा नीचे जाके गिर जा रहा था यार, बहुत दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे सुल्तान के साथ, सुल्तान मेरे हाथों पर ही जमा रहता है गाइस। और बाकी सारे कबूतर को और हम टेम करना चाहेंगे, बाकी सारे कबूतर तो टेम थे वैसे, लेकिन ऐसे नहीं टेम थे जो हमेशा मेरे साथ ही रहें गाइस, तो सुल्तान अब रहेगा हमेशा हमारे साथ।
तो गाइस ये सारे कबूतर कैसे गुटा करें भाई इस वाली मादिन के संग, ये कर गुटा करा क्योंकि इसकी मादिन देने वाली अंडा, तो ये यहाँ पे गुटा करा है फालतू में, बकवास कर रहा है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।